प्रदेश में झांकियों में जाकर कोरोना गाइडलाइन के उल्लंघन के मामले में कोई एफआईआर दर्ज नहीं की जाएगी। यदि कोई दर्ज होगी तो उसे वापस ले लिया जाएगा। जी हां, ये बयान नगरीय विकास एवं आवास मंत्री भूपेंद्र सिंह ने दिया है। कोई एफआईआर नहीं होगी और अगर हुई होगी तो वापस होगी। भोपाल के कोलार में आयोजित भूमि पूजन के कार्यक्रम में विजय संकल्प ध्वज कार्यक्रम को लेकर मंत्री भूपेंद्र सिंह ने बताया कि 15 अक्टूबर को 11 विधानसभा क्षेत्रों में भाजपा को जिताने के लिए विजय संकल्प ध्वज लगाए जाएंगे। देखिए, अभी चुनाव प्रबंध समिति की बैठक हम लोगों ने की है। इस बैठक में ये जो हम लोगों ने पूर्व में भी कहा था कि 15 अक्टूबर को हमारे सभी 11 विधानसभा क्षेत्रों में, खंडवा लोकसभा की 8 विधानसभा और 3 विधानसभा मिला के ऐसी 11 विधानसभा क्षेत्रों में विजय संकल्प ध्वज दशहरे के दिन, विजय दशमी के दिन विजय संकल्प ध्वज लगाने का कार्यक्रम होगा। संकल्प लेंगे भारतीय जनता पार्टी को जिताने का ध्वज लगाकर। इस कार्यक्रम के लिए जैसा पूर्व में कहा था, माननीय मुख्यमंत्री जी, माननीय अध्यक्ष जी और जो हमारे प्रदेश के और केंद्र के नेता हैं, जिनकी अभी तक सहमति आ गई है 15 तारीख को विजय ध्वज के लिए, इसमें माननीय कैलाश विजयवर्गीय जी, माननीय प्रहलाद पटेल जी, केंद्रीय मंत्री माननीय वीरेंद्र कुमार जी, माननीय फग्गन सिंह जी कुलस्ते, हमारे अनुसूचित मोर्चा के देश के अध्यक्ष लाल सिंह जी आर, मैं स्वयं, अभी तक आज इतने नाम तय हुए हैं और बाकी लोगों से बातचीत चल रही है, तो बाकी नाम कल तक तय हो जाएंगे और ये सभी लोग 15 अक्टूबर को विजय संकल्प ध्वज कार्यक्रम में सम्मिलित होंगे। इसके साथ साथ नवमी के अवसर पर, नवरात्रि में नवमी के अवसर पर माननीय मुख्यमंत्री जी प्रदेश की सभी 40 लाख लगभग लाडली लक्ष्मियों को संबोधित कर रहे हैं नवरात्रि की नौवीं के। आपको बता दूं कि इस कार्यक्रम में कैलाश विजयवर्गीय, केंद्रीय मंत्री प्रहलाद पटेल, वीरेंद्र खटीक, फग्गन सिंह कुलस्ते और लाल सिंह आर भी शामिल होंगे। साथ ही उन्होंने बताया कि नौमी के पावन दिन मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान प्रदेश की सभी लाडली लक्ष्मियों को संबोधित करेंगे और अष्टमी तक कन्या पूजन कार्यक्रम चल रहा है। सभी नेता कन्या पूजन कार्यक्रम में शामिल भी हो रहे हैं। लगभग लाडली लक्ष्मियों को संबोधित कर रहे हैं नवरात्रि की नौमी के अवसर पर, उसमें भारतीय जनता पार्टी के सब कार्यकर्ता कार्यक्रम में जुड़े, इसके लिए भी हम लोगों ने कार्य योजना बनाई है। इस तरह से जो नौमी और विजय दशमी के कार्यक्रम हैं वो अभी तय हुए हैं, बाकी आगे जो कार्यक्रम होंगे
उनकी हम आपको कल जानकारी देंगे। वहीं कांग्रेस नेता रामेश्वर निखरा के बयान पर मंत्री भूपेंद्र सिंह ने तंज कसते हुए कहा है कि कांग्रेसी निराश हो चुके हैं और घरों पर जाकर बैठ गए हैं। जो अच्छे कांग्रेसी हैं वे बीजेपी में शामिल हो रहे हैं और कांग्रेस में एक कंपनी चल रही है, एमपी में भी ये कंपनी जोरों से चलाई जा रही है। उन्होंने कहा है कि दिग्विजय सिंह और कमलनाथ अलग अलग कंपनी चला रहे हैं और ये कंपनी अब डिफॉल्टर हो चुकी है। देखिए कांग्रेस की जो स्थिति है वो हम लोग कई बार इस बात को कह चुके हैं कि बहुत निराश है कांग्रेस के कार्यकर्ता, घरों में बैठे हुए हैं कांग्रेस के जो लोग हैं उनको अपने भविष्य की चिंता है और इसीलिए देश भर में जो अच्छे लोग हैं वो कांग्रेस छोड़कर भारतीय जनता पार्टी में लगातार जुड़ रहे हैं। और कांग्रेस जैसा पहले भी कहा कि एक परिवार की पार्टी है और उस परिवार की अलग अलग कंपनियां हैं, मध्य प्रदेश में भी कंपनियां हैं, कमलनाथ जी की कंपनी है, दिग्विजय सिंह जी की कंपनी है, तो ऐसी अलग अलग कंपनियां पूरे देश में है और ये जो कंपनियां हैं सब लगभग डिफॉल्टर हो गई। टाइम 8 मध्य प्रदेश के लिए भोपाल ब्यूरो की रिपोर्ट।